गांधी अस्पताल में आए दिन हो रही मारपीट दुर्भाग्यपूर्ण। सीएमओ अलक प्रकाश के खिलाफ नहीं हुई कार्रवाई तो एनएसयूआई करेगा घेराव। विंध्य क्षेत्र के सबसे बड़े हॉस्पिटल संजय गांधी में आए दिन मरीजों और परिजनों के साथ हो रही मारपीट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है। कॉफी हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष सुमित सिंह ने कहा कि संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्थाएं पूर्णतः लाचार है। भाजपा सरकार के मंत्री सांसद मूक बधिर होकर बैठे हुए हैं। जिले की गरीब जनमानस बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दर दर भटक रही है, जबकि हमारे रीवा में संजय गांधी अस्पताल सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद मरीजों का इलाज न करके गुंडागर्दी और लूट का अड्डा बनता जा रहा है। जिस तरह लगातार अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों के द्वारा और उनके इशारों पर उनके स्टाफ सुरक्षा कर्मियों के द्वारा मरीजों और परिजनों के साथ मारपीट की जा रही है, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने मांग की है कि भ्रष्ट डॉक्टर अलक प्रकाश के ऊपर कार्रवाई की जाए और उनको सीएमओ जैसे महत्वपूर्ण पद से हटाया जाए, क्योंकि वह पद पर बैठने के योग्य नहीं है। वह पूर्ण रूप से भ्रष्ट है, मेडिकल के नाम पर रिश्वत लेते गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर सीएमओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो एनएसयू सड़क पर उतर कर आंदोलन करेगा और सीएमओ कार्यालय का घेराव करेगा। आइए सुनते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान और क्या कहा है। होने के बाद भी सीएमओ ऑफिस में इस तरह की घटना घटती है, कहाँ सो रहा है वो विधायक सांसद? धरती पे डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया। मेरा निवेदन ये है कि आप सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है, इस बात को ऊपर तक पहुंचाई जाए ताकि जो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है उनको न्याय मिले। और एनएसयूआई आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहती है अस्पताल प्रबंधक और जिला प्रबंधक को, इस व्यवस्था में अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई, सीएमओ के ऊपर अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो एनएसयूआई मजबूर होकर सड़क पे उतर के आंदोलन करेगी और सीएमओ का प्लस जिला प्रशासन का विरोध करने के लिए तैयार है, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन। अभी हम ये आपके माध्यम से बता रहे हैं, दो दिन का समय दे रहे हैं। अगर डॉक्टर अलक प्रकाश को सीएमओ पद से नहीं हटाया गया तो एनएसयूआई इसको उग्र आंदोलन करेगी, सड़क पर उतर कर सीएमओ कार्यालय का घेराव करके तालाबंदी तक करेगी। और इस बात को लेके हम यहाँ से भोपाल तक चिकित्सक स्वास्थ्य मंत्री तक के पास जाएंगे, अपने प्रदेश नेतृत्व को लेके उनसे पूछेंगे कि जिस डॉक्टर के खिलाफ लोकायुक्त ने 10,000 रिश्वत लेने की कार्रवाई की हो उसको सीएमओ जैसे दायित्व पद में कैसे बैठाया गया है, क्या वजह है। और मैं बताना चाहूंगा हमारे रीवा जिले के सांसद महोदय, माननीय सांसद जी, जो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर मऊगंज में एक विद्यालय में जाके बिना ग्लव्स के, बिना ब्रश के, बिना क्लीनर के टॉयलेट हाथ से साफ करते हैं, पर अपने बगले से गज 3 किलोमीटर दूर संजय गांधी अस्पताल, जो कि बिंद का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ एक किसी गरीब की मदद करने पहुंचे हों तो बताएं। ये बड़ी शर्म की बात है एक सांसद के लिए जो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर जाके टॉयलेट साफ कर रहा है अपने हाथ से, और संजय गांधी अस्पताल में किसी एक गरीब पेशेंट को ब्लड नहीं दिलवा पा रहे हैं। वहाँ दलाली का अड्डा बना हुआ है, लोग जाके खून बिंदे हॉस्पिटल से खरीद के ला रहे हैं, उसके बाद भी वो नहीं खरीदा जा रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो अभी विगत 2-4 दिनों में घटना हुई, जिस पेशेंट को ब्लड के लिए, उसकी भी मृत्यु हो गई है। अगर ब्लड चढ़ गया होता तो मृत्यु ना होती, उसकी भी मृत्यु हो गई है। आखिर कब तक बीजेपी के नेता, 8 विधायक और एक सांसद ऐसे मुख बधिर बनकर बैठे रहेंगे, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए भैया, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि रीवा जिले में बिंद के लिए गौरव की बात है, इतनी बड़ी अस्पताल संजय गांधी हमारे रीवा जिले में, जहाँ से पूरे बिंद प्रदेश, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया, दूर दूर से लोग आते हैं इलाज कराने। और रीवा जिले का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है सत्ताधारी पार्टी के जहाँ 8 विधायक और एक सांसद मौजूद हो, उसके बाद भी इतनी बड़ी अस्पताल की व्यवस्था में आज ये सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल अस्पताल प्रबंधन के ऊपर तो उठता ही है, साथ में इन जनप्रतिनिधियों के भी ऊपर उठता है जो आज 15-17 सालों के भाजपा की सरकार है, उनके यहाँ के मौजूदा विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, इसके बाद वर्तमान में पावरफुल विधायक है जो कहते हैं कि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, कहाँ है उनका विकास का मॉडल? रीवा संजय गांधी अस्पताल की स्थिति आप जाके खुद देखिए, वहां पे आप चाहे साफ सफाई देखिए, चाहे डॉक्टरों का व्यवहार देखिए, एक
हम आप ठीक है, एक नॉर्मल घर का अगर व्यक्ति गया है उसको जानकारी नहीं है, तो वो अगर अपने पेशेंट के लिए ये बोलने चला जाए कि डॉक्टर ये बॉटल निकाल दीजिए इनको लेके जाना है, तो वहां पे डॉक्टर ढंग के तरीके से बात करने के लिए तैयार नहीं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये बनता है कि ब्लड बैंक, ब्लड बैंक जब इतने लोग, इतने समाज सेवी संगठन, जहाँ तक कि प्रशासन स्वयं ब्लड डोनेशन कर रहा है, उसके बाद भी किसी को ब्लड क्यों नहीं मिलता। मैं खुद कम से कम 100 लोगों को लेके संजय गांधी गया हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी को अगर एक्सचेंज करने के लिए उसके पास ब्लड नहीं है, खुद डोनेट करने के लिए उसके पास ब्लड नहीं है, तो उसकी अस्पताल प्रबंधन मदद करे उसको ब्लड दे। बाहर आप देखेंगे, देखने के लिए जैसे आप हॉस्पिटल में एंट्री करेंगे, विंध्या ब्लड बैंक का एक काउंटर बना हुआ है, उस काउंटर में आप कभी ब्लड के लिए चले जाइए आपको ब्लड नहीं मिलेगा। वो आपसे यही सवाल करेंगे कि पहले आप एक्सचेंज करिए, या फिर अगर आपके पास ब्लड हो तो आप उसको डोनेट करिए, उसके बदले में हम ब्लड देंगे। उसके बाद प्राइवेट संस्थानों में आप चले जाइए, जैसे विंध्या हॉस्पिटल वगैरह, ये सब लूट का अड्डा है। यहाँ तो व्यापार है, यहाँ किसी की सहायता नहीं की जाती। अब एक मरीज की अभी चर्चा चल रही थी, उसको 10,000 रुपए लेके ढूंढ दिया गया है। ये जो डोनेशन हो रहे हैं इसके कौन कहाँ गए? धरती पे कौन है इसका जिम्मेदार? धरती पे डॉक्टर और भगवान का दर्जा दिया गया। शर्मसार की बात।